हेलो फ्रेंड, वेलकम अवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब अड्डा। तो हम आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 9 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हम एक पार्ट करा चुके हैं, यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। देखिए, वृत्त की परिधि होती है 2πr और जो इसकी एरिया, देखिए वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि, यदि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि हो रही है यानी कि इसके त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। पैरामीटर जैसे 2 तो कांस्टेंट होता है और पाई जो भी है वो भी कांस्टेंट होता है, ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट हो गया, सिर्फ आर बचा यानी कि उसकी रेडियस में वृद्धि हुई। इसकी यानी कि परिधि जो इसकी जो त्रिज्या थी क्वेश्चन के हिसाब से, त्रिज्या में आर जो थी इसमें 5% की वृद्धि हो गई। परिधि में वृद्धि का मतलब हुआ त्रिज्या में, बाकी दो पैरामीटर कॉन्स्टेंट हो गए। ठीक है, अब क्या करना है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसको हमें क्यों परसेंटेज में वैल्यू दी है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा इजी हो। 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5% के जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो 1/20 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जो नीचे वाला होता है हमेशा ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल हो गया, और ऊपर वाला जो होता है वो बढ़ा या घटा हो, ये तो क्वेश्चन में बढ़ा हुआ है तो ओरिजिनल हमारे पास त्रिज्या 20 हो गई। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या की बात कर लेंगे, हमने एक वैल्यू निकाली, त्रिज्या जो थी ओरिजिनल जो थी हमारे पास 20 है और नई जो त्रिज्या हुई बढ़त के बाद आ गई 21 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहुंचते, क्वेश्चन में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बोल रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जो सर्कल का वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तब ओल्ड जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पुराना क्षेत्रफल जो होगा पहले का क्षेत्रफल, तो पाई पहले की त्रिज्या 20 थी तो इसका ये हो गया। ठीक है, और नया जो होगा क्षेत्रफल जो होगा, नया क्षेत्रफल ये होगा पाई R1, मान लो इसको R1 का स्क्वायर, तो पाई R1 कितना है 21 का स्क्वायर। अब इसने क्या किया, प्रतिशत में वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत क्षेत्र में मतलब वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई के लिए नया जो भी हमारा क्षेत्रफल आया है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस पाई, ओल्ड वाला हमारा कितना था 20, 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन पाई, नीचे ओल्ड होता है तो ये हो जाएगा 400 × 100 परसेंटेज में। तो 100, देखिए पाई यहाँ और यहाँ से बाहर निकलेगा, जब यहाँ यहाँ से पाई बाहर निकलेगा तो देखिए कर ही दे रहा हूँ, ये हो गया 441 माइनस 400 पर पाई 400 × 100। देखिए यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, देखिए 20 यहाँ से 20 यहाँ से, 441 में 400 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पास 41/4 बचेगा। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारे आ जाएगा 1, एक में भागने जाएगा 0.25, ये प्रतिशत में हमारी वृद्धि हुई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, द फ्रैक्शन दिया हुआ है इन द लोअर लोवेस्ट टर्म, यहाँ न्यूनतम पदों भिन्न जो दी हुई है न्यूनतम पदों में बताना है। तो देखिए ये भिन्न दी हुई है 4536 अपॉन दिया है 4000, नीचे दिया हुआ है 4986 ये दिया हुआ है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन फिट होगा। तो देखिए एक बात तो समझ में आ रही है, इनको ऊपर और नीचे वालों को भिन्न को इक्वल करने के लिए हमें ऊपर वाले में कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इसके बराबर होगा, समझ रहे हो। तो देखिए अगर हम ऑप्शन से ही चेक करते हैं 1/11, ठीक है, यदि हम मान लो 45 36 में हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 45 36
छत्तीस में 4536 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 11 का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाली संख्या को सेम लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड लास्ट में सेम इसको भी रख देंगे। तो देखिए जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नीचे वाली संख्या आ गई, यानी कि ये जो संख्या है वो हो जाएगी 1/11 टाइम्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 4.5 4/5 इक्वल टू कितना होगा, ये तो सिंपल से इसको भाग ही देना है, तो ये पहले एक बार भी नहीं जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ेगा, जीरो लगाएंगे 8 × 45 8 बार गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 × 967 × 1000 × 967 × 967 × 10 × 967। ठीक है अब देखिए यहाँ पास को सिंपलीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास पॉइंट्स को हम हटाने को, देखिए यहाँ पास तीन तीन जीरो हैं, यहाँ पास कितने 4 पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 3 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से काट के हम इसके पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पास देखिए क्या बचेगा, 1000 × 967 × 967 967। अब यहाँ पास 2 पॉइंट बचा और 100 यहाँ पास भी है, तो इससे भी ये 2 पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 967 × 967 × 967। तो ये हमारा सिंप्लीफाई में आ गया, तो देखिए ये हो जाएगा 967 का होल क्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर -2/6 का मान क्या होगा, तो 64 की पावर -2/6 की वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 6 को तो 2 से भाग जाएगा, तो ये ऊपर -1 बचेगा नीचे बचेगा 3, तो ये हमारे पास आ गया 64 − 1/3 आ गया। ठीक है तो देखो 3 का मतलब क्या हो, तो 1/3 का मतलब होता है ये है क्यूब रूट के अंदर, यहाँ पास 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 की पावर -1, तो यहाँ पास क्यूब रूट हो जाएगा 64 − 1 इसकी पावर में है, तो ये हो जाएगा 1/64। जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना होगा, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/4 की पावर 3, तो ये जब बहार आएगा तो ये आ जाएगा 1/4, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण के बीच खींचे गए वर्ग के अनुपात का क्या होगा, तो यहाँ पास वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं इक्वल होगी, और विकर्ण जो होगा ये डी, देखिए विकर्ण भी इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसने एक विकर्ण और उसके जो क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होता, तो वर्ग जो होता है इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल एक साइड लिख दो और रेशियो में लिख दीजिए उसका विकर्ण, विकर्ण तो क्षेत्रफल इसका जो होता है वर्ग का ए स्क्वायर होता है, और विकर्ण क्या होता है देखिए इसका अगर विकर्ण हम निकालेंगे, विकर्ण जो हो जाएगा 2a² होता है, डी स्क्वायर बराबर होता है 2a², तो डी बराबर हो जाएगा, विकर्ण डी बराबर हमारा आ जाएगा √2a आ जाएगा। ठीक है ये विकर्ण आ जाएगा √2a आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात a² और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात, यानी कि जो इसका विकर्ण आया है इसका वर्ग के अनुपात हमें निकालना है। ठीक है तो इसका वर्ग जो होगा कितना हो जाएगा, यानी कि डी इसका वर्ग जब निकालेंगे तो यही आ जाएगा, इसके जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा √2, √2 नहीं यहाँ हो जाएगा 2a² हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पास हो जाएगा a² कट जाएगा और ये रेशियो आ जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है यदि कहता है उसके डायगोनल अगर स्क्वायर यहाँ पास ना लिखा होता, यानी कि वर्ग ना लिखा होता, तो यहाँ पास हो जाता इधर हो जाता √2
टू ए हो जाता, ठीक है, तो फिर उसका जो रेशियो अलग है, ए रेशियो टू रूट टू रेशियो हुआ था, लेकिन यहाँ विकर्ण के वर्ग को बोल रहा है, तो विकर्ण जो भी है उसको वर्ग करना पड़ेगा, तो विकर्ण का वर्ग यही हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, इक्वेशन दिया पी एक्स बराबर, दिया हुआ इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, और यहाँ पास वैल्यूज बताना है, पी वन की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पास एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो पी वन इक्वल टू हो जाएगा, एक्स बराबर 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 हो जाएगा, +3 होगा, तो यहाँ पास पी वन की जो वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 − 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 कटेगा यहाँ से, यानी कि ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 0.013, देखिए यहाँ पर 0.013 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसके स्क्वायर निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 0 हटा देंगे, ये कितने अंक के पॉइंट के बाद 0 लगा है, 1, 2, 3, तो इसे करने के लिए तो 13 लिख देंगे, 13 लिख दिए, और 3 0 हम नीचे कर देंगे, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे ताकि इजी हो जाएगा। अब 13, अब इसका स्क्वायर कर दो, जब 13 का आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 169, 169, और नीचे जब स्क्वायर करोगे तो इनके कितने 0 हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे, 3 0 थे और 3 0 और हो जाएंगे, ठीक है। अब बस 0 ऊपर लगा रखने के लिए, 0 कम करने के लिए पॉइंट्स लगा देंगे, देखिए 169 में 3 तो ये हो गए और 3 और 0 लग जाएंगे, तो 1, 2, 3 एंड 169 पॉइंट, ऐसा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर है 3 के बाद 169, हाँ ऑप्शन नंबर सी सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें औसत ज्ञात करना है, ये जो वैल्यूज दी हैं इनका औसत, कभी भी औसत निकालना है तो ये जो संख्याएं दी हैं इनका सम कर देंगे अपॉन जितने नंबर ऑफ हैं ये लोग, यानी कि 44 + 57 + 41 + 28 + 30 अपान, ये कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अपान 5 कर देंगे, तो इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 3 यहाँ 0 है, फिर 8, 9 हो जाएगा, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पास 2 बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास पहले कर 5 हो जाएगा, 5 × 2 = 7 हुआ, 7 × 4 = 11, 11 × 5 = 16, 16 × 4 = 20, तो यहाँ पास 20 होगा, अपान 5, तो इसको जब हम भाग देंगे इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की है, इसने अपनी यात्रा को 6 घंटों में पूर्ण की है, उसने आधी दूरी 60 किलोमीटर/घंटा और शेष आधी दूरी 90 किलोमीटर/आवर से की। देखिए इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड से, देखिए पहला क्या है कि देखिए पहली स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर/आवर एंड 90 किलोमीटर/आवर, ठीक है, ये जो मेथड बता रहा हूँ ये काफी इजी मेथड है, तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 180 किलोमीटर, जी हो गए 180 किलोमीटर, ठीक है। टाइम निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा, देखिए 60 में कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि यहाँ पास 3 आवर आ गया, इसके लिए हम करेंगे 9 का कितने बार जाए 2 आवर, यानी कि एक आधी दूरी जब 60 किलोमीटर/आवर से चलता था 3 घंटे में पूरी किया 180 किलोमीटर, और जब 90 किलोमीटर से चला पर आवर से चला इसने 2 घंटे लिए, तो यानी कि देखो पहला 180 किलोमीटर के लिए इसने 3 घंटा लिया और नेक्स्ट जो 180 किलोमीटर है उसके लिए 2 घंटे, यानी कि 5 घंटे में इसने किया कितना, 5 घंटे में किया 360 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 6 घंटे, ठीक है, हमने तो 5 किया है, इसने किया 6 घंटे, तो हमें इस 5 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/6 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी 6/5 का मल्टीप्लाई करो, तो 6/5 × 5
पांच 360 इंटू 6/5, ठीक है। तो ये पांच पांच कट गया, तो ये हमारे पास 6 घंटे आ गया। अब यहां से जब पांच से करेंगे तो देख कितने बार जाएगा, 5 सते 5 सते 35, ठीक है ओके। एंड कितना बचे, 5 दूनी 10, अब पांच ये इंटू 6, तो 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 एक बचेगा, और 6 सत्ते 42 और 1 43, तो यहाँ पास आ गया 432 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। मैं तो इसी मेथड को प्रिपेयर करने कहूंगा क्योंकि ये मेथड काफी इजी है। अगर मान लो देखिए, यहाँ अगर 5 ही घंटे होता तो आपका आंसर तो यही पास आ गया था, 6 दिया था, थोड़ा ये कैलकुलेशन बड़ा है। अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड बाई टाइम से, स्पीड इंटू टाइम से, तो इसमें तो काफी होगा। तो पहले डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस रखेंगे, आधी डिस्टेंस आधी आधी है, तो डी वाई स्पीड कितनी थी, यहाँ 60 किलोमीटर करेंगे पर आवर, प्लस करेंगे फिर डी करेंगे, फिर कर देंगे यहाँ 90 किलोमीटर आवर, टोटल टाइम हो गया 6 आवर। इसको फिर कैलकुलेट करोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दोगुना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास चचेरा भाई इसके दोगुना आयु का, तो यहाँ पास चचेरा भाई और किससे दोगुना है, इससे, यानी कि माई मान लो, यहाँ मेरा ही मान लो, ठीक है। तो 2:1 हो गया, दोगुना है चचेरा भाई, तो 2:1 हो गया। अब कह रहा है कि यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है, यदि उनकी आयु के बीच में कितना अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है, यानी कि बड़ा कौन है, चचेरा भाई साहब बड़े हैं, तो चचेरा भाई साहब माइनस यानी कि मी, कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर कितना, डिफरेंस है 20 का। तो इन दो, ये जो रेशियो के बीच में 20 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। अब इस 1 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई करते, तो 20, अब ये 20 हो गया। अब जब 20 इसको यहाँ मल्टीप्लाई करे तो यहाँ भी 20 का ही मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 40 साल, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 1 में तो ये हो जाएगा 20 साल। अब क्वेश्चन में किसकी आयु पूछा, मेरी आयु पूछा है, तो मेरी आयु हो गई है 20 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 16 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण करता है, दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़कर कार्य को, यानी कि छोड़ देता है, तब कार्य को पूरा करने के लिए बी को और कितने अधिक दिनों की आवश्यकता। तो देखिए, ए कितने दिन करता है, 16 दिनों में किसी कार्य को, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 कार्य करता है। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 80 हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या होता है, बड़ी वाली संख्या का देखते हैं उसका मल्टीपल में कि दोनों से भाग चला जाए, तो 20 को 80 होता है, 16 × 5 = 80 होता है। तो यहाँ पास 5 बार जा रहा है और ये 4 बार जा रहा है, ठीक है। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 4 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन में जाइए, देखिए दोनों मिलके एक साथ 4 दिनों तक काम करते, एक दिनों में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे एक दिन में, 5 + 4, और कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन। इन्होंने 36 काम कर लिया, टोटल काम है 80 और 36 काम इन्होंने कर लिया है, तो कितना काम बचा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 7 और यहाँ 44, यानी इतना काम, अभी 44 काम हमारे पास बचा है, और ए छोड़ दिया, बी अकेले करेगा इसको। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, तो 44 काम करने के लिए बी यदि एक दिन में 4 काम करता है तो 44 काम करने के लिए कितना लेगा, 11 दिन लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में इसे पुरुष कितने पुरुष खोद सकते हैं, यदि 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं तो 15 दिनों में से कितने पुरुष खोद सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m1d1 = m2d2। m1 क्या होता है, पहले जितने मैन काम कर रहे थे, और ये पहले कितना दिन लग रहा है, M2 होता है अभी इस समय कितने आदमी काम कर रहे हैं और इस समय कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो पहले कितने पुरुष कर रहे थे, 48, कितने दिन ले रहे थे, 20 इक्वल टू M2। M2 हमें ज्ञात करना है कितने अभी आदमी काम कर सकेंगे, एंड दिन दिया 15। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 20, 3 से इधर काटेंगे, 3 = 1, 3 और 6 = 3,
18, तो M2 बराबर हो जाएगा 16 × 4, तो ये होगा 64। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो हम लिख लेंगे पति यानी हस्बैंड एंड वाइफ की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। सॉरी यहाँ नीचे 2 होगा, इक्वल टू 24। तो इनकी विवाह के समय आयु का जोड़ हम निकाल लेंगे, औसत हटाएंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पास, तो 24 दुनी सॉरी ये 25 था, 24 नहीं था ये 25 था, तो 25 दुनी 50 हो गया, ये 25 वर्ष थी, ठीक है, 25 दुनी 50 था। ये कई बार क्या होता है कि इंग्लिश क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, देखिए इंग्लिश क्वेश्चन में ये 24 दिया हुआ, सॉरी हिंदी में मिस्टेक हो जाती है, तो इंग्लिश वाले को ही प्रेफर किया क्योंकि इंग्लिश वाला ही वो मानते हैं, तो कई बार देख लिया करिए। देखिए यहाँ पास 24 है, यहाँ पास 25 है, तो 50 वर्ष हो गया विवाह के समय इन दोनों की आयु का सम। अब देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु, यानी कि हस्बैंड है, वाइफ है एंड सन है, इन यानी अपॉन 3 हो जाएगा इनका, कितना 22 हो गया। इन तीनों का जो सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 66। अब देखिए इस समय पुत्र की आयु, तो इस समय पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पति पत्नी के समय हमें अगर एज का सम मिल जाए तो हम पुत्र की निकाल लेंगे। अब यहाँ 7 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो 7 वर्ष पश्चात होगा तो पति की 7 साल भी एज बढ़ेगी और पत्नी की भी 7 साल की एज बढ़ेगी, यानी कि 14 साल की एज बढ़ गई अभी अभी की पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर 14 इसमें हम ऐड कर देंगे, ये 4 हो जाएगा और 64। पति और पत्नी की अभी आयु 64 है, पति पत्नी और पुत्र की अभी 66 है, तो सन की क्या आयु हो जाएगी इसमें 66 में 64 को हटा देंगे तो यहाँ 2, अब पुत्र इस समय अभी 2 साल का है। देखिए पीतल की एक कृति में जस्ता एवं तांबा का अनुपात दिया हुआ है 4:5, इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पास हम जिंक रेशियो दिया हुआ है कॉपर, ठीक है, जिंक और रेशियो कॉपर दिया हुआ है कितना 4:5, और ये टोटल जो है कितना दिया 180 किलो दिया हुआ है, तो इन रेशियो को हम ऐड कर लेंगे, ये रेशियो के 9 बराबर हो जाएगा कितना 180 केजी, एक बराबर कितना होगा 20 केजी। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जिंक पूछ रहा है, यानी कि हमारे को पूछ रहा है जस्ता क्या हो, जिंक कितना 4 पार्ट था, तो 4 × 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 केजी, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 केजी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8,934 से घटाया जाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं कि हमें ये पता हो कि 8,934 के पास ऐसा कौन सा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, समझ रहे हो, अगर ये हमें पता है तो यहाँ से काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास एक 94 होगा, 94 का स्क्वायर होता है 8,836 हो रहा है, ये 94 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो अब हम इस संख्या में कितना घटाएंगे, ये हमारे 8,836 आए तो हम इसी को घटाते हैं, देखो 8,836 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इस संख्या में देखिए कितना होगा 14 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9 आएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 98 को अगर हम घटा रहे हैं तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको स्क्वायर आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि यक्ष 5 और 9/15 समतुल्य है तो यक्ष का मान क्या होगा। कह रहा है यक्ष 5 बराबर है 9/15 के, तो एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए सिंप्लीफाई करो, 5 और ये कट जाएगा, 5 से 15 3 और 9 कट जाएगा 3, यानी कि एक्स बराबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4,224 है, निम्न में से कौन सा सही है, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। तो देखिए कई बार हम क्या करते हैं क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर ले, देखिए यहाँ पास ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, कैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, पर स्क्वायर में ये कितना है 4,224, तो ये जब कट जाएगा 25
तो इससे 22 तो उससे छोटा है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे, एक 64 वाला, एक 210 वाला। तो हम 210 का एक मान के चलते कि 210 का स्क्वायर एक निकाल के देखते हैं कि 210 का, 200 का जो स्क्वायर होगा इजी होगा, फिर जो भी आएगा इससे ज्यादा ही होगा। तो 200 का जब स्क्वायर हम कर रहे हैं तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 जीरो होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे कितना है, 4,000 के लगभग है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, एक्स की वैल्यू 64 और 65 के बीच में लाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम 4 अंक की संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या में बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, देखो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या तो होती 999, 9999, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो ये तो पहले ही कट गया, पूर्ण वर्ग है नहीं, तो हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। लेकिन मान लो पूर्ण वर्ग 100 का हम स्क्वायर करते हैं, कितना 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 10,000 होता है, 10,000 होगा। ठीक है, और ये हमारा 999, यानी कि 100 का तो परफेक्ट वर्ग है नहीं। तो यहाँ पर हम एक काम करके देखेंगे, 99 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 99 का जब वर्ग करेंगे तो एक चीज और समझ लो कि लास्ट में जब यूनिट डिजिट के बाद 9 का जब हम वर्ग करते हैं, 9, तो इसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट होगा 1 होगा, जब इसकी पावर इवन होगी, और जब इसकी पावर ऑड होगी तो ये 9 ही आ जाएगा। तो इवन पावर है, स्क्वायर की बात कर रही तो इवन है, तो यानी कि 9 तो होगा ही लास्ट में, तो ये ऑप्शन हमारा तो कट ही जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बचे, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, तो 1 हो गया, 8 बचेगा, 9 81 1, यहाँ पास 89 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास फिर हो जाएगा 1 9 8 सेम है, यहाँ पास 1, ये 0 हो गया, 10 8 हो गया, और ये हो जाएगा 9, तो 9801 ये हो जाएगा, इसका परफेक्ट वर्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके ही आएंगे।